जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ रोकने को लेकर किए जा रहे हैं कड़े उपाय, बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। अमेरिका में कोरोना की गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ी, हर रोज मरने वालों की संख्या 1200 से ज्यादा, अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में 28% हुआ इजाफा। कानपुर में 100 करोड़ से जीटी रोड पर बनेगा फ्लाईओवर, चढ़ने और उतरने के लिए होंगे 3 पॉइंट। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने कहा, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां बैकफुट पर हैं। बिहार में बीजेपी ने चिराग पासवान को चौंकाया, एलजीपी के दो बड़े चेहरों ने समर्थकों के साथ बदला पाला। पिछले 10 दिनों में स्वास्थ्य विभाग डेंगू और वायरल बुखार पर नहीं पा सका काबू, फिरोजाबाद में 6 और बच्चों की वायरल फीवर डेंगू से मौत, 10 दिनों में 38 की मौत। नवजोत सिंह सिद्धू के खास प्रकट सिंह बोले, पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत को किसने दिया फैसला लेने का अधिकार। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, प्रशिक्षण से पराक्रम अभियान जारी, 7 टीमें प्रशिक्षण के काम में लगी हैं। पंजाब कांग्रेस में बदलने लगे राजनीतिक समीकरण, हाईकमान के रुख से बिखर सकता है नवजोत सिंह सिद्धू का कुनमा। उत्तर प्रदेश में वायरल फीवर का कहर, कई जिलों में दर्ज हुई मौत, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रयागराज में बेकाब होने लगा डेंगू, अब शिवकुटी के चिल्ला मलिन बस्ती में 5 अन्य भी संक्रमित। बिहार के 16 नगर निकायों में बनाए जाएंगे 7,500 घर, शहरी गरीब के लिए 30 वर्ग मीटर का पक्का मकान। यूएनसी की बैठक आज, विदेश मंत्री हर्षवर्धन श्रृंगला पहुंचे न्यूयॉर्क, बैठक में छाया रहेगा आतंकवाद का मुद्दा। दिल्ली में लगातार 4th दिन कोरोना से नहीं हुई कोई मौत, रविवार को सामने आए 31 नए मामले, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन में दी गई जानकारी। बीएसपी के बाद अब बीजेपी में प्रबुद्ध जन की ओर, हर विधानसभा सीट पर 5 से सम्मेलन। बरेली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने बसपा नेताओं पर साधा निशाना, बोले आज मंदिर पहुंच रहे हैं छिपकर टीका लगाने वाले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे फिरोजाबाद जिले का दौरा, 46 मौतों पर जताया दुख, सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों का जानेंगे हाल। पंजाब में नहीं सुलझ रहा कांग्रेस का झगड़ा, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ने के मुद्दे पर विवाद शुरू। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने में लगी कांग्रेस, सलमान खुर्शीद ने की आज रिक्शा चालक, कुली और रेलवे कर्मचारियों से मुलाकात। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 7,04,00,000 के हो चुका है पार, एक्टिव मामलों की संख्या 300 से भी कम। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।